दोषी बनाया। इस अपील को अपने आने वाले जनरेशन को हम जरूर दें कि हमें यह आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बहुत कदम बढ़ाया गया है। और जो तरक्की की बात है वो तो मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि हमारे देश की तरक्की बेमिसाल तरक्की। जब भी टीवी पे देखते हैं कि आज ये नया टैंक बन गया, आज ये नई तोप बन गई, आज हमने ये बना लिया, आज हमने इसके ऑर्डर मिल गया, आज बैलिस्टिक मिसाइल्स बन गई, आज हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम इस कॉरिडोर में खड़े हुए, कितनी बड़ी परिकल्पना है कि हमने कॉरिडोर बना दिए, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर बनने का मतलब आप समझे कि जहां सुई ना बनती हो, जहां बटन मेड इन इंग्लैंड के आते हो, वहां पर हम डिफेंस कॉरिडोर हमारे अपने टैंक से लेके और हवाई जहाज तक फाइटर जेट हम अपने बना रहे हैं। तो ये मुझे तो वाकई नहीं लगता है, जब मैं टीवी पर देखता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस स्वतंत्र भारत का, जहां सन 1964-65 के बाद 62 और 64 के बीच में या 65 के बीच में, जैसा मैंने पढ़ा है कि अमरीका से गेहूं आयात होता था, वो भी लाल गेहूं, जिसके बारे में यह है किसान उसमें ऐसे रबर की तरह से उसका आटा जो है खींच जाता था। और आज 65 के बाद है, ये बात सही है कि थोड़ा सा समय लगा, लेकिन खाद्यान्न के क्षेत्र में हम जितने आत्मनिर्भर है कि हम दूसरों का पेट पालने के लिए भी सक्षम। अंग्रेजों से हमने आजादी ली, लेकिन एक बात ऐसे अंग्रेजों से जरूर हर बड़े आदमी को बहुत सारी बुराई होंगी, लेकिन अच्छा भी होगी। ग्रेट ब्रिटेन वो अपने आप को आज भी ग्रेट ही मानते, हमें उस मुल्क से ये जरूर सीखना चाहिए कि राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयता सबसे बड़ी। हम अपनी राष्ट्रीयता को किसी भी दृष्टि से अब उसकी उस पर चर्चा तो जरूर करें, लेकिन अपनी राष्ट्रीयता की आलोचना ना करें। मेरा ऐसा निवेदन सदन के प्रत्येक सदस्य से है कि अपनी राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है। जिस राष्ट्र ने पिछले 78 सालों में जितनी तरक्की की हो वो सर्वोच्च कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है। ये सर्वोच्चता बनी रहे। हम जहाँ है, जिस कानून की चर्चा हम रोज करते हैं, जिस कानून को मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है कि साहब आरबीसी बदल गई, कम से कम सीबीसी वही है, तो वो दिक्कत अभी है कि ऑर्डर में किधर को तक रोकना। ये नया सेक्शन आ गया, पहले 420 तो दिया, पता नहीं क्या होगा। मैं तो जिसने तो बदले याद कर लिया, हम जिनका रही थे बारे में तो बाकी याद कर। साथ इस बहुत पावन मौके पे हम यहाँ इकट्ठे हैं, सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक शुभकामनाओं के साथ, इससे पहले कि सेक्रेटरी साहब उधर से इशारा उजारा करें, अपनी जगह आराम से ले लो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पूरा आ जा।
और भाई अरे चौधरी साहब एक बड़े देखो ये हमारे चौधरी साहब हैं, चंद्रवीर सिंह एडवोकेट नाम है इनका और बहुत ही नेक दिल हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर कचहरी बार एसोसिएशन में 15 अगस्त मनाने आए हैं। अच्छा ये हमारा आ जाओ भैया। आ रही है भाई। बढ़िया बता दो अपनी फरमाइश बता दो अपने अभी तो वीडियो बन रही है खाली अंदर से रख लाया यहाँ ले रहा हूँ फिर प्रसाद लगाता हूँ बड़े बड़े करने चूधे साहब तुम यहाँ पाओ अब तो मैं इनके साथ ले लूँ तो वही पकड़ो बस ऐसे हाँ चलिए एक्शन तो करो यार कोई आज 15 अगस्त है आज़ादी का दिन है सभी लोग बड़े उत्साह से जश्न मना रहे हैं और आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं मौसम भी ठंडा हो गया यार पिक्चर हो गया देखो प्रिय साथियों ये हमारे भाई एडवोकेट महेंद्र सहनी हैं जो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आज 15 अगस्त पर यहाँ पर आज़ादी मनाने आए हैं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं सभी लोग बहुत खुश हैं कितना प्यारा यहाँ का नज़ारा है देखो आज़ादी का हमारे सही साथी हैं ये हमारे देखो भाई हैं लक्ष्मण जी एडवोकेट जो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है बहुत ही तुमसे नेक कौन है भाई तुमसे नेक तो है ही नहीं कोई जो सबकी यादों को सजो रहे हो तुम इसमें ये सबकी यादें हम इसमें सजो रहे हैं भाई सबसे ज्यादा तुम सजो रहे हो इसमें आज आज़ादी के दिन हम सभी लोग आपको सैल्यूट करते हैं